हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए और एक टेस्ट लेके आई हूँ और वो है कौन सा द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, इस टेंस को हम द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या है ये टेंस, क्या यूजेस है, क्या फॉर्म्स है, लेट्स लर्न। फर्स्ट वी लर्न अबाउट यूजेस ऑफ दिस टेंस। द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और यूज टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग फ्यूचर एक्शन। कैसे एक्शन को? ऑनगोइंग यानी होने वाली होगी, ऐसी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। लुक हियर, आई विल बी ईटिंग लंच एट 1 PM। मैं लंच खाऊंगा कब? 1 बजे। मैं 1 बजे लंच खाऊंगा। ऑन गोइंग है, खाया नहीं है, खाएगा। कितने बजे? 1 बजे। So the future progressive tense, the future continuous tense is used to express an ongoing future action. Okay? Then second use is the future progressive tense is used to express an ongoing future action interrupted by another action. एक action होने वाली होगी, उसके साथ दूसरी भी एक एक्शन उसके साथ इंटरप्ट होगी। कैसे? लुक हियर, आई विल बी ईटिंग लंच आउटसाइड व्हेन सी अराइव्स। जब वह आएगी तब मैं उसके साथ बाहर खाना खाऊंगा। पहले क्या हुआ कि वो आएगी, ओके? ये वाली तो हमारी थी ही पहले एग्जांपल में भी, क्या कि वो 1 बजे क्या खाना खाने वाला होगा। अब यहाँ क्या है कि वह आएगी, एक एक्शन हुई और वो बाहर खाना खाएगा, दूसरी एक्शन हुई। तो द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग फ्यूचर एक्शन। ऑनगोइंग है, फ्यूचर एक्शन है, उसके साथ इंटरप्टेड हुई दूसरी एक एक्शन, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर प्रोग्रेसिव का यूज होता है। थर्ड यूज ऑफ दिस टेंस इज द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस प्लान फ्यूचर इवेंट्स। प्लान होगा, श्योर होगा, कंफर्म होगा, कोई इवेंट होगा। क्या है यहाँ? देखिए, वी विल बी गोइंग ऑन हॉलीडे इन ऑगस्ट। हम ऑगस्ट में हॉलीडे पे जाने वाले होंगे या फिर जा रहे हैं। तो ये क्या है? हॉलीडे पे अगस्त में जाने वाले हैं, ये क्या है? श्योर है, कंफर्म है, तो ये प्लान हो चुका है। तो ऐसे अगर हम फ्यूचर के लिए हम भी कोई इवेंट प्लान करें कि हम पिकनिक पे जाएंगे, हमारे अंकल के यहाँ जाएंगे, हमारे कलीग के यहाँ जाएंगे, तो वो सब भी एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे? इस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। सो the future progressive tense is used to an ongoing future action. Second is the future progressive tense is used to an ongoing future action interrupted by another action, and the future progressive tense is used to express planned future events. Then next we learn form of this tense. How we form affirmative, negative, interrogative and negative interrogative sentences. Okay, look here. First we get affirmative sentences. What is the sentence pattern of this tense of affirmative sentences? Look here. He will be driving his new car. वह अपनी नई कार चला रहा होगा। क्या सेंटेंस पैटर्न हुई? देखिए, सब्जेक्ट हुआ, हमें पता है फ्यूचर टेंस रहेगा तो क्या आएगा? शैल विल जो है वह आएगा। अब कंटिन्यूअस है बी, ये जो है वो क्या है? हमारा
वी वन है यानी मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के साथ क्या आया, क्या आया, आई एन जी। आई एन जी यानी मैंने क्या बोला था, फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लास होगा प्ले, यहाँ है प्ले, और ये क्या है, वी वन है, मेन फॉर्म है, उसमें हम ऐड करेंगे क्या, आई एन जी, तो क्या होगा, प्लेइंग, क्या हुआ, प्लेइंग। तो जो प्लेइंग हुआ वो क्या हुआ हमारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या हुआ हमारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो विल सेल के बाद बी, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद क्या आएगा, अदर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब्स। तो ऐसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। लुक हियर, सी विल बी प्लेइंग टेनिस अंटिल 7 PM, वह शाम 7 बजे तक टेनिस खेल रही होगी। ओके, तो क्या हुआ, सब्जेक्ट विल बी, वर्ब प्लस आई एन जी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो ऐसे हम कहाँ कहाँ यूज होता है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस अगर हमें फॉर्म करना आ गया तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी आ जाएगा। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। We took this example. How we form negative sentences in the future progressive tense? We form negative sentences in the future progressive tense by adding not after the will or shall. Look here. He will be driving his new car. Okay? This is the affirmative sentence. We change it into negative sentence. He will not be driving his new car. क्या हुआ, वह अपनी नई कार चला रहा होगा, वह अपनी नई कार चला रहा नहीं होगा। हमने क्या किया, जो will है, okay, उसके बाद क्या प्लेस किया, not, क्या प्लेस किया, not। और एक और से हम अगर बोलना चाहें या फिर कहना चाहें कि we make negative sentences in the future progressive tense by adding not before the be, okay, याद रखिएगा। Second example is she will be playing tennis until 7 PM. How we convert this affirmative sentence into negative? We convert this by adding not. She will not be playing tennis until 7 PM. Okay? So remember that two sentence pattern. Okay, right. What is the sentence pattern of negative sentence in the future progressive tenses? Subject plus will, shall plus not plus be plus verb ing plus object then other words. Okay, then next we learn interrogative sentences.
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे मेक कर सकते हैं? वी फॉर्म इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस बाय प्लेसिंग विल और शैल बिफोर द सब्जेक्ट. व्हाट इज हियर इज विल. वी टेक विल फर्स्ट एंड सब्जेक्ट ही देन. विल ही बी ड्राइविंग his new car. Will he be driving his new car? Okay? तो ये कैसा sentence हुआ? ये interrogative sentence हुआ. क्या वह अपनी नई कार चला रहा होगा? Okay? Now we convert this second example. We place will first, subject second, will see be playing tennis until 7 PM. Okay, and do not forget to put interrogative mark or question mark at the end of this sentence. Will she be playing tennis until 7 PM? क्या वह शाम 7 बजे तक टेनिस खेल रही होगी? Okay. This way we make negative and interrogative sentences in the future progressive tense. Now, our last topic is negative interrogative sentence. हम अब सीखेंगे कि हम negative interrogative sentences कैसे बनाएंगे, किस टेंस में? द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में. ओके, टुक दिस एग्जांपल, लुक हियर. विल ही नॉट बी डूइंग, विल ही नॉट बी driving his new car? In question mark. क्या वह अपनी नई कार नहीं चला रहा होगा? क्या किया? ये क्या है? सब्जेक्ट है. ओके, ये क्या है? बी है. तो सब्जेक्ट और जो बी है उसके बीच में हमने क्या प्लेस किया? नॉट प्लेस किया, नॉट एड किया. तो ऐसे हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं. लुक हियर, सेकेंड एग्जाम्पल. Will she not be playing tennis until 7 PM? Okay, क्या वह शाम 7 बजे तक टेनिस नहीं खेल रही होगी? Okay, कैसे हुआ ये negative interrogative? सेंटेंस कितना इजी है? बहुत इजी है. अफर्मेटिव सेंटेंसेस रहेंगे तो क्या सेंटेंस पैटर्न रहेगी? सब्जेक्ट रहेगा. ओके, उसके बाद क्या आएगा? विल आएगा या फिर शैल आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद वर्ब और आईएनजी फॉर्म आएगा. ओके, देन अगर नेगेटिव रहेगा तो क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, विल आएगा, शेल आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद वर्ब और आईएनजी फॉर्म आएगा. और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हुए, देखो ना क्या है, विल और शेल आगे है. ओके, उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट है. उसके बाद क्या है? बी है. उसके बाद क्या है? वर्ब और आईएनजी फॉर्म है. देखो, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, बी और वर्ब और आईएनजी फॉर्म. ओके, तो दिस वे वी मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस. कहाँ यूज होता है? द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग एक्शन. ओके, देन द सिंपल द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग एक्शन इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन. एंड लास्ट वन इज द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस
plan future events. Okay, and remember these different types of sentence pattern of this tense. Okay, I hope you understand this tense very well. Till that, stay safe and learn safe. Thank you.